आज आखिरी फेज है, इसके बाद देश की सरकार बनेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। मैं सारे पंजाबियों को अपील करती हूँ कि वो ज़रूर, देशवासियों को अपील करती हूँ, खासतौर पे पंजाब के लोगों को, कि आप वोट ज़रूर डालें। और परफॉर्मेंस के आधार पे गए जिन लोगों ने काम किया है उनके लिए आप वोट डालें, क्योंकि आजकल की राजनीति, पार्टी बदलो, दल बदलो, कॉन्स्टिट्यूंसी बदल लो, बड़े बड़े झूठे वादे कर लो, वोट ले लो और फिर अपने वादों को भूल जाओ। तो आप उनके लिए वोट करें जिनकी पास परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर किया है, जहां पे विकास हुआ है और लोग अपने प्रोमिसज पे पूरे उतरे हैं। हर एक कैंडिडेट को, हर एक पार्टी की परफॉर्मेंस को देख के आप वोट डालिए ताकि देश आगे बढ़ सके। 4 तारीख को सरकार बनेगी, पंजाब का कितना रोल होगा सरकार में? पूरा रोल होएगा, हर एक इंडियन, हर एक देशवासी का बहुत बड़ा रोल होएगा और पंजाब का भी बराबर का रोल। सबसे महत्वपूर्ण ये बात आ रही है कि आप एनडीए के हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप एनडीए के साथ हों? देखिए, हमने एनडीए के साथ नाता तोड़ा किसान के मुद्दों पे, और श्रोमणी अकाली दल 103 साल पुरानी पार्टी है। बादल साहब ने 18 साल जेल में काटे, वो भी राज कर सकते थे, अलायंस में रह सकते थे, पंजाब के रूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पंजाब के हकों के लिए 18 साल कैद करे। आज भी जहाँ पे आम आदमी और कांग्रेस जो 2 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ के सरकारें बनाई, आज कुर्सी की खातिर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अकाली दल ने कुर्सी छोड़ी है पंजाब की खातिर, किसी से अलायंस नहीं किया। हम पंजाब के मुद्दों के लिए खड़े हैं, सिद्धांतों पे खड़े हैं। आज हमारे पानियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसानों के हक में खड़े हैं, नौजवानों के हक में खड़े हैं, हमारे धार्मिक स्थानों के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं उसके खिलाफ हम खड़े हैं। सो पंजाब के बहुत ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पंजाब के मुद्दों और पंजाबियों के लिए लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस बार जीत के लिए दावेदार हैं, क्योंकि यहाँ आपका टक्कर कांग्रेस से है और कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि हम कांग्रेस ने तो हमारे जो जिसको 4 महीने पहले हमने निकाला था उसी को तो टिकट दी है, इसी कांग्रेस ही को थोड़ी ना दी है। अकाली दल से कैंडिडेट 10-12 साल से अकाली दल में से थे, अकाली दल से लड़ते रहे, उनको दी है सिर्फ इस निशाने से कि वो अकाली दल की वोटें तोड़ सके। और बीजेपी ने भी ऐसे ही किया है, उन्होंने भी अकाली दल टकसाली अकाली परिवार की एक डॉक्टर लोगों को दिया है ताकि वो अकालियों की वोट तोड़े। और झाड़ू ने जो बादल साहब 26 साल जहां से वो सेवा करते रहे, बादल साहब का गढ़ माना जाता है, वहां से उन्होंने मंत्री जी को खड़ा किया ताकि वो भी उधर अकाली वर्कर को दबा सके। सो तीनों पार्टीज सिर्फ एक निशाने से आई है कि अकाली दल को हराना है और लोग उनको जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, इंडिया अलायंस में लोग मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है, इस पूरे ड्रामा है? बिल्कुल ड्रामा है। आप इनसे पूछे कि आपके जो जीतेंगे तो क्या दिल्ली में जाके एनडीए का हिस्सा बनेंगे कि इंडिया अलायंस का बनेंगे? तो क्लियरली इंडिया अलायंस के बनेंगे। हमारी कैपिटल जो राजधानी चंडीगढ़ पे है, वहाँ पे तो केजरीवाल जाके मनीष तिवारी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। तो राजधानी में आप इकट्ठे हैं और राज्य में आप अलग हैं। ये लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि ये नहीं समझते कि आप लोग का ये फ्रेंडली मैच क्या चल रहा है। आप बिल्कुल इकट्ठे हैं, यहाँ से जो जीतेगा उसी गठजोड़ में जब जा रहा है तो फिर आप इकट्ठे हैं। तो ये इन दोनों की झूठ की राजनीति, जो इन्होंने पिछले 7 सालों से केवल लोगों को झूठे लारे, झूठे वादे करके इन्होंने सरकारें बनाई हैं और आज भी झूठ बोलने से नहीं हट रहे। सो लोग झूठ को पहचाने और झूठ को निकालें, क्योंकि पंजाब का पिछले 7 सालों में बहुत नुकसान हुआ है ये झूठ के बल।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।